छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित पेंड्रा में रहने वाले पेंडो समुदाय के लोग कई सालों से एक परेशानी से जूझ रहे हैं और वो है जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाना। इसकी जिसकी वजह से अनुसूचित जनजाति के ये लोग अपने वर्ग को मिलने वाले किसी भी फायदे से वंचित मानते हैं। दरअसल साल 2002 में सरकार ने पेंडो समुदाय को विशेष पिछड़ी जनजातियों के समतुल्य मानते हुए सूरजपुर पृथक अभिकरण का गठन किया था, जिसका विस्तार सूरजपुर, सरगुजा और बलरामपुर में है जो इनका मूल निवास है। अपने को एकलव्य का वंशज बताने वाले इन परिवारों का कहना है कि शासन के नियमावली के अनुसार मिशल और अन्य कोई दस्तावेज नहीं होने के कारण जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा, जिसके चलते शासन द्वारा जनजातियों के संरक्षण के लिए खर्च किए जा रहे लाखों करोड़ों का लाभ मरवाही में बसे इस समुदाय के लोगों को अभी तक नहीं मिल पाया है और जाति प्रमाण पत्र बनाने की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा। प्रमाण नहीं बन पा रहा। क्या बोल रहे हैं साहब लोग? साहब लोग बोल रहे हैं कि मिशन तो मिशन नहीं है आपका? नहीं। तो अगर मिशन नहीं है तो फिर जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, यही बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं। कितने बार कोशिश की आप? तो 3 बार कोशिश की, नहीं बना। विशेष जनजातियों में पंडो जनजाति एक है और चूंकि ये पंडो जनजातियाँ हो सकता है इनका दस्तावेज न होने की वजह से जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, लेकिन जो सरलीकृत नियम है उसके आधार पर ग्राम सभा के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त कर उनका जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है और मैं तहसीलदार निश्चित करता हूँ और कुछ दिनों में। पर चूंकि अभी सरकार के द्वारा उनको विशेष पिछड़ी जनजाति में ले लिया गया है तो कुछ लड़के 8वीं और 10वीं पास हैं, तो अब मैं चाहता हूँ कि उनका जाति प्रमाण पत्र बने। सरकार के महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उनको मिले। तो ज्यादा जानकारी के लिए बिलासपुर के पेंड्रा से हमारे साथ हमारे संवाददाता विप्लव गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विप्लव, पंडो समुदाय के जो लोग हैं उन्हें अनुसूचित जनजाति का हिस्सा तो बना दिया गया है, लेकिन अब इनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा, तो ये कौन सी चीज है कि आपने अनुसूचित जनजाति में डाल दिया, जाति प्रमाण पत्र बनाने दे, शासन की योजनाओं का लाभ उन्हें मिल नहीं पा रहा? पंडो जो जनजाति है ये पहले से ही अनुसूचित जनजाति में आती थी और अभी इनको विशेष संरक्षित जनजाति का दर्जा मिला है 2003 से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लोग हैं जो यहाँ पे रहने आए तो इनको शासन की तरफ से कभी कोई पट्टा नहीं दिया गया और पट्टा दिया भी गया तो मिशन में इनके नाम की एंट्री नहीं हो पाई। जाति प्रमाण पत्र बनवाने में शासन की नियमावली ऐसी है कि या तो फिर किसी मतलब 1955-54 से पूर्व के कोई दस्तावेज दिखाने होते हैं जिसके बाद ही जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, तो इस बात को बार बार बाहर लाते हुए उनका जाति प्रमाण पत्र बनाने से इनकार कर दिया गया। जबकि ग्राम सभा एक दूसरा माध्यम होता है जाति प्रमाण पत्र बनवाने का, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी उनको कोई तवज्जो नहीं दी और अभी तक वो लोग अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले किसी भी लाभ से वंचित। ऐसे कौन से वो दस्तावेज हैं जो इस समुदाय के लोगों के पास नहीं है और इसका कैसे क्या समाधान निकाला जाए? इनके पास अभी तक मिशन नहीं है जी। इन लोगों ने अभी तक अपनी शिक्षा मतलब शिक्षा की ओर इनको जागरूक नहीं किया गया जिससे ये अभी तक जो है शिक्षित नहीं हो पाए। तो जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जो है अपने पिताजी की दाखिल खारिज पर्ची से भी जाति प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है, लेकिन ये कभी स्कूल गए ही नहीं और शासन द्वारा इनके स्कूल जाने की व्यवस्था ही नहीं की गई जिसके कारण ये लोग शिक्षित नहीं हो पाए और दाखिल खारिज पंजी भी इनकी जारी नहीं हो पाई। और इस तरह से इनके पास अभी कोई भी ना तो मिशन में इनके नाम है ना दाखिल खारिज पंजी में नाम है, तो इसलिए ये जो है अपना अपनी ही स्वयं की जाति का जो शासन की तरफ से जो भी लाभ मिल रहा है जो भी कुछ उससे ये पूरी तरह से वंचित है। चलिए शुक्रिया विप्लव जानकारी को साझा करने के लिए। एक्सप्रेस स्पेशल में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।